Assalamualaikum guys, my name is Zain and today we'll be discussing a really important topic related to work energy and power. We have covered almost the entire topic in the face-to-face sessions and now we are doing a little summarized overview of what we have discussed in the face-to-face sessions in the school. So in this video, the first thing that we are going to discuss will be the notes that I'm going to give you guys. So these are the complete notes that were covered in the face-to-face sessions. इसमें सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ का कंसेप्ट है, डेफिनेशंस हैं टू द पॉइंट, एंड एग्जांपल क्वेश्चंस भी हैं. वो हम लोग कवर कर चुके थे. कुछ कुछ इसमें ऐसे हैं जो आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करने होंगे. और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल ऑफ दिस यू रियली नीड टू प्रैक्टिस अ वर्कशीट दैट आई हैव अटैच विद दीज नोट्स. उसके बाद आज का जो मेजर टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं. दैट इज़ बेसिकली टू अंडरस्टैंड दीज थ्री सिनेरियोस, जिसमें एक स्लोप की कंडीशन को हम लोग डिस्कस करेंगे. ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पेपर में आता है, तो हम लोग इसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है. सेकेंडली, हम लोग स्टार्ट करेंगे नो वर्क डन की कंडीशन से, तो क्योंकि इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं कि व्हाई आरंट वी डूइंग एनी वर्क. सो द बेसिक कंसेप्ट इज़ क्वाइट ईजी ओवर हेयर. इफ़ आई स्टार्ट विद इट, तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि लेट्स से वर्क डन की असल डेफिनेशन क्या है, कि वर्क इज़ बेसिकली फोर्स इनटू डिस्टेंस. सो इफ वर्क इज़ डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, इन जनरल इसकी असल डेफिनेशन ये है कि वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स मूव्स द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड इज़ गिवन बाय द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. यानी इन जनरल इसका मतलब ये है कि वर्क तभी होगा जब फोर्स अप्लाई की जाएगी एक ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट उस अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा. उसी वक्त वर्क हो सकता है और उसी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस वर्क की का मैग्नीट्यूड क्या है. तो इसी चीज़ को अगर हम इस सिनेरियो में रखते हैं, इन तीन डिफरेंट सिनेरियोज में, तो वर्क क्यों नहीं हो रहा. बहुत सिंपल सा पहला सिनेरियो है जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंपल सा कंसेप्ट दैट यहाँ पे इफ दिस गाय इज़ नॉट एबल टू, बेसिकली ही इज़ एबल टू लिफ्ट द बारबल एट अ सर्टेन पॉइंट, बट आफ्टर दैट ही इज़ नॉट एबल टू लिफ्ट इट एनी फर्दर. तो इससे ज़्यादा अगर वो लिफ्ट नहीं कर पा रहा और वो उसी जगह पे उसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो प्रॉब्लम ये है कि holding the barbell at that very position and not moving it upwards, even if he's applying the force, but us force ke apply karne se wo ab ek certain distance move nahi kar raha, wo usi position pe. So now you can see that no distance has been moved. So jab distance move hi nahi kar raha, to yahan pe work done nahi hoga. So pehla scenario is work done nahi ho raha. Second scenario mein kya hai ke pushing the stationary wall with a force. So definitely idhar bhi wahi concept that you are applying the force in this direction. और प्रॉब्लम क्या है कि फोर्स अप्लाई करने के बाद भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. तो सो इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट बीन मेट, तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा. थर्ड सिनेरियो क्या है कि एक बैग कैरी कर रहे हैं हम लोग और हम फोर्स तो एग्जर्ट कर रहे हैं अपवर्ड, पर द प्रॉब्लम इज़ जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स है. यानी यहाँ पे इफ़ द फोर्स एंड द डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी वर्क डन नहीं हो रहा होगा. द ओनली सिंपल वे टू डू वर्क इज़ टू मेक श्योर दैट फोर्स एंड डिस्टेंस आर इन द सेम डायरेक्शन. अगर दोनों नहीं है सेम डायरेक्शन में तो प्रॉब्लम है, और अगर फोर्स अप्लाई की जा रही है और उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तभी वर्क डन होगा, वरना इन तीनों सिनेरियोज में 1, 2 एंड 3 में वर्क डन नहीं हो रहा. सो आई होप ये चीज़ आप सबको क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जो डिस्कस करेंगे आज वो है ये तीन सिनेरियोज. ओके गाइज, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनेरियोज. ये स्लोप प्रॉब्लम्स होती हैं, पेपर में सबसे ज़्यादा आती हैं. इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको किया जा सकता है, और अगर इनकी बेसिक्स आपको समझ में आ गई तो आई थिंक यू गाइज कैन एस योर पेपर.
तो सबसे पहला जो स्लोप प्रॉब्लम है उसकी कंडीशन नंबर वन क्या है कि लेट्स से एक बॉक्स है, वो एक स्लोप पे रखा गया है, उसकी डिमेंशंस गिवन है कि वो 5 मीटर है, 3 मीटर्स है हाइट में, 3 मीटर्स है लेंथ में, 4 मीटर्स है लेट्स से। और उस पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन वो ये है कि वो जो बॉक्स रखा गया उसका मास 2 kg है, लेकिन वो जब मूव करेगा लेट्स से इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, लेट्स से मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करी है, तो जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँगा तो उसकी सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, फोर्स अप्लाई करने पे उसका सरफेस से बिल्कुल नो फ्रिक्शन, यहाँ पे नो फ्रिक्शन कंडीशन है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है और हम उसको कांस्टेंट स्पीड पे मूव करवा रहे हैं। पहली चीज़, अगर हम किसी चीज़ को कांस्टेंट स्पीड पे मूव करवा रहे हैं तो ये बात हमें याद रखनी है कि उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा होता। तो कांस्टेंट स्पीड को समझने की वजह यहाँ पे ये है, हमें ये सिनेरियो इंडिविजुअली डिस्कस करना है। सेकेंड सिनेरियो में क्या हो रहा है, वही पूरा केस है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस बार हम लोग फ्रिक्शन को कंसिडरेशन में ले रहे हैं। जब हम फ्रिक्शन को कंसिडरेशन में ले रहे हैं तो इसमें हम लोग किस तरह की कैलकुलेशंस करेंगे वो हम लोग देखेंगे। थर्ड सिनेरियो में हम लोग फ्रिक्शन को भी इन कंसिडरेशन लेंगे और चेंज इन स्पीड को भी, यानी यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी बेसिकली यहाँ पे 3 डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिनको हमें इंडिविजुअली डिस्कस करना है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट सिनेरियो। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट सिनेरियो। इस फर्स्ट सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पहले नोट करनी है कि जो कंडीशन है वो है नो फ्रिक्शन एंड मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। ये आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि कांस्टेंट स्पीड हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। एंड जनरली इसकी डायमेंशंस क्या है इस स्लोप की, 5 मीटर्स, 4 मीटर्स एंड 3 मीटर्स। सॉरी फॉर नॉट बेसिकली मार्किंग दीज थिंग्स आउट। अब पॉइंट ये है कि लेट्स से कि मैं इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ विद अ सर्टेन फोर्स, मैं इसको एक सर्टेन फॉरवर्ड फोर्स से ऊपर मूव करवाना चाहता हूँ जो अननोन फोर्स है, मुझे इस फोर्स को कैलकुलेट करना है। पॉइंट यह है कि पहली कंडीशन लग रही है कि इधर फ्रिक्शन नहीं है। बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ लगाते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ लगाने से हमें क्या पता चलता है कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो भी पॉइंट ए पे एनर्जी होगी उसका टोटल सम पॉइंट बी पे होगा, यानी जो एनर्जी पॉइंट ए पे है वो पॉइंट बी पे होगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के परस्पेक्टिव से। सो इफ लेट्स से, अगर लेट्स से मैं इसकी हाइट को कंसिडर करता हूँ कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बॉक्स को मुझे लिफ्ट करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी स्टूडेंट के माइंड में आएगी वो ये आएगी कि इस पॉइंट से लेट से मुझे इस पॉइंट तक इसको लिफ्ट करना है, तो डेफिनेटली जो एनर्जी ये गेन करेगा वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि हाइट की इन्वॉल्वमेंट है और ये हाइट गेन कर रही है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट से लिफ्ट, एक सर्टेन पॉइंट से लिफ्ट किया जाता है टू अ सर्टेन हाइट लेट से, तो वहाँ पे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है। और इस पॉइंट से, पॉइंट ए से लेट से मुझे इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करना है, तो डेफिनेटली आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, और वो फोर्स उसको किस डिस्टेंस में मूव करवा रहा है, 5 मीटर्स। रिमेंबर, वर्क डन कब होता है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं एक ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट ये बॉक्स है और ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो डायरेक्शन पे जो डिस्टेंस है डेफिनेटली वो कितना है, 5 मीटर्स। तो हम लोग टोटल जो वर्क डन है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के, और द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन रही है जो विदाउट फ्रिक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, विदाउट फ्रिक्शन। ये भी आपको बात समझ में आ जाएगी कि हम लोग फ्रिक्शन क्यों कंसिडर नहीं कर रहे इन द सेकेंड एंड द थर्ड सिनेरियो, और जब आप वो वाले सिनेरियोज को समझेंगे तो ये फर्स्ट सिनेरियो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स वर्क ऑन दिस। लेट्स से कि अब मुझे इस सिनेरियो को सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल सा है, वर्क डन की का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, और आई होप आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज एम जी एंड एच। एम इज़ मास, जी इज़ ग्रेविटी, एच इज़ हाइट, एफ इज़ द फॉरवर्ड फोर्स, डी इज़ द डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो फोर्स इज द वन थिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट, डी इज़ द डिस्टेंस 5 मीटर्स,
mass is 2 kg, gravity we take as 10, and height is 3 meters. So by using this equation over here, we are able to calculate the value of force needed to move this object from this point A to this point B. तो ये एक सिंपल सिनेरियो था जिसको अब आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द आंसर ओवर हियर, यू गाइस कैन डू दिस योरसेल्फ. द पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड के किस तरीके से ये इक्वेशंस बन रही हैं कि वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी और द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जिसमें हम लोग फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे और कॉन्स्टेंट स्पीड पर मूव कर रहे हैं. कॉन्स्टेंट स्पीड पे मूव करने की वजह से देर इज़ नो चेंज इन के ई. ये बात सिनेरियो नंबर टू और सिनेरियो नंबर थ्री, बेसिकली सिनेरियो नंबर थ्री में ज़्यादा समझ में आएगी अच्छे तरीके से. तो स्टे ट्यून्ड. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिनेरियो नंबर टू. सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू सिनेरियो नंबर टू. सिनेरियो नंबर टू में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन को कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पे हम अभी भी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहे हैं. सो देर इज़ नो चेंज इन स्पीड व्हिच इम्प्लाइज दैट देर इज़ नो चेंज इन के ई. सो नो चेंज इन के ई, हम फिर से इस चीज़ को नोट डाउन कर रहे हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मास हम लोग वापस से वही लेंगे 2 kg बॉक्स का. इस बार बॉक्स फॉरवर्ड फोर्स से मूव कर रहा है लेकिन उसके ऑपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है. लेट्स से वो फ्रिक्शन फोर्स है 2 newton की, ठीक है. तो इस सिनेरियो में हम फोर्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो इस सिनेरियो में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले वही हमें कंजर्वेशन का लॉ लगाना पड़ेगा. हम बेसिकली इन तीनों सिनेरियोज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीख रहे हैं वो है कि हम किस तरीके से कंजर्वेशन के लॉ को अप्लाई करके इसकी इक्वेशन को बनाएंगे. हाउ यू आर गोइंग टू ड्राइव दैट इक्वेशन एंड यूज इट टू कैलकुलेट द अननोन क्वान्टिटीज इन दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे जो अननोन क्वान्टिटी वो है फोर्स. तो अब लेट्स से कि वही सिनेरियो है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से लेट्स से पॉइंट बी तक जाता है, सॉरी पॉइंट ए ये है, इस पॉइंट से लेट्स से पॉइंट बी तक जाता है. तो यहाँ पे तो गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है. दूसरी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, उस ऑब्जेक्ट को लेट्स से इस पॉइंट से पॉइंट ए से हम लोग उठा के पॉइंट बी पे लेके जाएंगे, तो वो जो वर्क डन होगा वो किस चीज़ के बराबर होगा? सो वर्क डन बाय द फॉरवर्ड फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी अगेन. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी तो वो गेन कर रहा है लेकिन इस सिनेरियो में ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कुछ वर्क हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट कर रहे होंगे. सो इसको समझने का आइडिया बहुत आसान है कि लेट्स से कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी लेट्स से 500 जूल थी और इस पॉइंट पे बाय ओबेइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 500 जूल होनी चाहिए थी. लेकिन जब फ्रिक्शन की इन्वॉल्वमेंट होती है तो जो फॉरवर्ड फोर्स होती है वो कुछ काम फ्रिक्शन के अगेंस्ट करती है ताकि हम फ्रिक्शन को ओवरकम कर सकें, जिसकी वजह से थोड़े से एनर्जी लॉसेज होते हैं. तो इस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर, आपको जो एनर्जी मिलेगी वो ज़रूरी नहीं कि आपको 500 मिले. इट विल डेफिनेटली बी अलॉट मच मोर लेस देन 500. इट कैन बी 400 जूल्स लेट्स से फॉर एग्जांपल. तो अगर 400 जूल्स पॉइंट बी पे थी तो 100 जूल ऑफ एनर्जी किस चीज़ में गई, वेस्ट हुई? वो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हमने यूज़ करी. अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. So if this is gain in potential energy plus, let's say that this object is moving in this direction and the friction is basically against it, so this will be work done against friction. तो हम लोग क्या करेंगे कि इस point A का जितना भी energy का sum होगा वो point B के energy के sum के बराबर होना चाहिए by following the law of conservation. तो इस पर्सपेक्टिव से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सो अब अगर लेट्स से कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हम निकालना चाहते हैं, जिसमें से हम उस अननोन फोर्स को निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स विल बी मल्टीप्लाई बाय 5 meters. अगेन 5 meters क्यों लिया है? क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही है,
विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो इस पॉइंट से लेट्स से इस पॉइंट तक मूव किया तो उसने कितनी हाइट कवर की, 3 meters. सो एम विल बी 2, जी विल बी 10 एम जी एच इज बीन अप्लाइड और हाइट हो गई 3 meters, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्सेज. सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्सेज विल बी फोर्स इन टू डिस्टेंस अगेन. फोर्स मैं यहाँ पे कौन सी लूंगा, फ्रिक्शन फोर्स. तो फ्रिक्शन यहाँ पे कितनी मैंने गिवन दी है, वो है 2 newton मल्टीप्लाइड बाय कितने डिस्टेंस पे वो काम हो रहा था, वो था 5 meters पे. तो टोटल इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. अब फोर्स को हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 × 10 × 3 + 2 × 5, और इस टोटल सम को हम डिवाइड कर देंगे 5 से. सो वट एवर द आंसर यू गोइंग टू गेट will be the answer for the forward force needed to move the object from point A to point B. इस सिनेरियो में हमने जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी वो थी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी था कि वाई वी स्टडीड दिस और वाई वी इंक्लूडेड दिस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन दिस कंजर्वेशन लॉ, जहाँ पर फ्रिक्शन, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन था तो हमने वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को इक्वेट किया है वर्क डन बाय द फॉरवर्ड फोर्स इन ब्रिंगिंग दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ये बहुत नेसेसरी था. तो यहाँ तक हमारा सिनेरियो नंबर 2 कंप्लीट होता है. आई होप आपको सिनेरियो नंबर 1 और सिनेरियो नंबर 2 का डिफरेंस समझ में आया होगा. देन अगेन यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट बात को समझना बहुत जरूरी था कि यहाँ पे फिर से कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं थी. तो अब हम लोग सिनेरियो नंबर 3 में समझेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इंक्लूजन क्यों नेसेसरी है. जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड होती है वहाँ हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं लेते, जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड नहीं है, जहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है दो पॉइंट्स पे, वहाँ पे हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ में इंक्लूड करेंगे. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिनेरियो नंबर 3. ओके गाइस, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिनेरियो नंबर 3. और सिनेरियो नंबर 3 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देयर आर टू कंडीशंस गिवन. पहली चीज़, इस पूरे स्लोप प्रॉब्लम में फ्रिक्शन को हम कंसिडर करेंगे और चेंज इन स्पीड को हम कंसिडर करेंगे. सो नाउ वी डोंट हैव कॉन्स्टेंट स्पीड, तो यहाँ पे अगर चेंज इन स्पीड है तो देर विल बी अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो बाकी दो सिनेरियोज में नहीं थी. तो पहले हम इस डायग्राम को फिनिश करते हैं. लेट्स से मास मैं फिर से 2 kg लेता हूँ, एक फॉरवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, एक बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स है, उसको मैं 2 newton ले लेता हूँ, और यहाँ पे इनिशियल स्पीड लेट्स से बॉक्स की एट पॉइंट ए मैं लेता हूँ 0 meter per second से स्टार्ट करेंगे, और फाइनल स्पीड मैं लेता हूँ लेट्स से 2 meter per second जो इस पॉइंट पर होगी. ठीक है, 2 meter per second. बाकी सारी चीज़ें सेम है जो पहले क्वेश्चंस में थी, लेकिन यहाँ पे अब क्या डिफरेंस आएगा वो हम लोग नोट करेंगे. हमें फॉरवर्ड फोर्स फिर से कैलकुलेट करनी है, हम लोग इसमें किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ लगाएंगे वो हम देखते हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाते हैं, आई एम नॉट राइटिंग द एंटायर थिंग अगेन. तो उसमें क्या होगा, क्योंकि वर्क डन हो रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी में, हम फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक बॉक्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाने के लिए, तो डेफिनेटली हम कुछ काम करेंगे उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने के लिए, जो हम फॉरवर्ड फोर्स से करेंगे. अब वो जो फॉरवर्ड फोर्स है, ये जो वर्क डन है, यानी टोटल एनर्जी कंटेंट पॉइंट ए का, टोटल एनर्जी कंटेंट लेट से पॉइंट ए का बराबर हो जाएगा टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ पॉइंट बी. अब वहाँ पर टोटल एनर्जी कंटेंट क्या होगा, वहाँ पे पहुँचते वक्त दो चीज़ें होंगी. पहली, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक सर्टेन हाइट गेन करेगा ये ऑब्जेक्ट, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फिर से ये चीज़ इंक्लूड की जाएगी. लेकिन इस बार एक और चीज़ हो रही है जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को भी इस फॉर्मूले में अब नोट डाउन करेंगे या इंक्लूड करेंगे. सो दिस इज बेसिकली द थर्ड सिनेरियोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो हमें कवर करना है. अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं. लेट्स से कि अब हमारे पास वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी हमें कैलकुलेट करना है, तो वो डेफिनेटली फॉरवर्ड फोर्स कर रही है मल्टीप्लाई बाय कितना डिस्टेंस है, 5 meters का, इज इक्वल टू
गेन इन पोटेंशियल एनर्जी यानी एम जी एच, एम यहाँ पे कितना है, अगेन 2 kg मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज़ द ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय द हाइट विच इज़ 3 प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स। ये बिल्कुल सिनेरियो नंबर 2 की तरह है। तो फोर्स कितनी है, फ्रिक्शन फोर्स वॉज 2 newton मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव इज 5 meters अगेन प्लस। अब काइनेटिक एनर्जी को हम इंक्लूड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है। जब भी स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी तो हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को बार बार से इस सिनेरियो में लेंगे। जहाँ कांस्टेंट स्पीड है वहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज़ीरो लेते हैं, लेकिन जहाँ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है वहाँ पे हम उसके चेंज को हमेशा कैलकुलेट करके इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं ½mv². तो m यहाँ पे बॉक्स का वापस से 2 kg, मैं यहाँ लिख देता हूँ ½m। वी स्क्वायर क्या होगा, बहुत सिंपल सा, द डिफरेंस इन स्पीड। अगर इनिशियल इट वॉज ज़ीरो एंड फाइनल वॉज 2, सो द डिफरेंस विल बी 2 - 0, सो इट विल बी 2, तो इट्स विल बी 2 स्क्वायर, तो इट्स वी स्क्वायर, ½mv², तो ½mv² हम लोगों ने यहाँ रख दिया है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से हम इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं। अगेन हम लोग सारी चीज़ों को सॉल्व करने के बाद इसके आंसर को एक यूनिफाइड फॉर्म में यहाँ लिख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ½mv² डिवाइडेड बाय 5। तो इसका जो आंसर आएगा, यू गाइस कैन यूज़ योर कैलकुलेटर्स टू कैलकुलेट दिस, और जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ नोट डाउन कर देंगे। तो पॉइंट यहाँ पे ये था कि हम लोग जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं इन स्लोप प्रॉब्लम्स में, उनको हम किस तरीके से नोट डाउन करें, किस तरीके से यूज़ करें। ये इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था, बिकॉज इफ़ यू गाइस डोंट नो कि हम स्लोप प्रॉब्लम्स में किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं और कॉन्स्टेंट स्पीड और फ्रिक्शन का क्या यहाँ पे एक पार्ट प्ले हो रहा है, तो अगर इफ़ यू गाइस डोंट नो दिस तो आप लोग पेपर में हमेशा कंफ्यूज होंगे कि वहाँ पे लेट्स से एक कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहे ऑब्जेक्ट, और आप बार बार कभी लेट्स से कहीं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट को भूल जाएंगे, और या तो आप कांस्टेंट स्पीड के कंसेप्ट को लगा के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सही से लगा नहीं पाएंगे। तो इस पूरी वीडियो का जो मेजर कंसेप्ट था वो यही था कि वी आर बेसिकली ट्राइंग टू utilize the entire information given in the question and to formulate the law of conservation of energy correctly. क्योंकि अगर इन तीनों scenarios में आप law of conservation of energy लगाना सीख जाते हैं इन तीनों scenarios के through, so it will be a lot much more easier in the paper for you guys to solve the question. तो next video में हम लोग इससे और related practice questions करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने इस सिनारियो को समझा, हमने वर्क नहीं हो रहा उसके कंसेप्ट्स को थोड़ा सा देखा है, और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डेफिनेटली बी डिस्कसिंग अबाउट सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, वर्क एनर्जी एंड पावर।